वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। दिल्ली से मेरठ का सफर अब और आसान होने जा रहा है। सरकार ने दोनों शहरों के बीच में रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसके तहत 92 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर 12 कोच वाली ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। ये योजना 2024 तक शुरू हो जाएगी। 8 नवंबर के बाद आयकर विभाग ने 2000 करोड़ के काले धन का पता लगाया। 130 करोड़ रुपए की कीमत की का कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई। 400 अलग अलग मामलों में जांच में हुआ खुलासा। कुछ बड़े मामलों में सीबीआई और ईडी को भी केस सौंपे गए। लेस कैश लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बैंकों को 31 मार्च 2017 तक 10 लाख और नए POS टर्मिनल लगाने का निर्देश दिया है। असंगठित कामगारों के लिए करीब 2,74,000 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें से 24 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं।